तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के कॉफी बिजनेस को कैसे मार्केट करना होता है पैकेजिंग कैसे करनी होती है प्राइसिंग कैसे करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आप जो बोलोगे सच बोलोगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे ठीक <laughs> है तो स्टार्ट करें वन टू थ्री गो पहला तो मुझे यह समझना है कि रेच कॉफी के लिए अभी कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है यार कॉफी कैटेगरी ओवरऑल आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो लार्जली वन इज द आउट ऑफ होम कॉफी वन इज द एट होम कॉफी आई डोंट नो अगर ये टिपिकल दैट्स हाउ पीपल डू इट बट दैट्स हाउ आई हैव डन वेयर इन द आउट ऑफ होम कॉफी इज द कॉफी विच इज प्रिपेड एंड सोल्ड इन द फूड सर्विस साइड ऑफ थिंग्स क्यू एस आर कैफे होटल लॉबीज कहीं पर भी जहाँ पे भी आप कैफे प्रिपेर्ड फॉर्मेट में आ रही है बट पैकेज फॉर्मेट में आप नहीं यूज कर रहे कंज्यूम कर रहे इंस्टीट्यूशन hmm. um, भी हो गए बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इट वी एनी थिंग बट लार्जली दैट इज द स्पेस द पैकेज स्पेस इज वेर यू आर सेलिंग द पैकेज प्रोडक्ट विच इज लार्जली कंज्यूम्ड एट होम डायरेक्टली directly. Indirectly, it would be sold to out-of-home market also. Right. Uh, so, we are primarily a packaged coffee player. So, we sell to the out of home coffee players. We sell to 2000 plus cafes, restaurants, hotels, uh, today institutions, defense canteens, and so on and so forth, Navy canteen, and so Uh The other is through retail outlets, hmm. which is general trade outlets, which is the Kirana stores, hmm. which you can say as unorganized uh, trade, standalone uh, modern trade stores. मॉडर्न ट्रेड स्टोर सो जेन टेट एस एम टी एम टी ज्यादा डिटेल में बताना तो बता दूंगा बट बट दिस इज लार्जस्ट मिलियंस ऑफ रिटेल टच पॉइंट है हमारा भी वी आर स्टिल बिल्डिंग दैट नेटवर्क आउट बट दैट यूनिवर्स इज वेरी वेरी लार्ज इन इंडिया द अदर देन पार्ट इज दाइन पार्ट विच इज वी सेल डिरेक्ट टू कंज्यूमर थ्रू आर ओन वेबसाइट एंड वी हैव द ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज ऑल दाइन मार्केट प्लेसेज लाइक जियो मार्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट सो एंड सो फोर्थ क्रेड जितने भी हैं ये उसके बाद आपका क्विक कॉमर्स और हाइपर लोकल आता है सो ब्लिंकेट जेप्टो स्विगी इंस्टामार्ट राइट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर बिजनेस टुडे इज द इंस्टीट्यूशंस एंड होरेका सो विच विच आई वाज मेंशनिंग इज सेलिंग टू द कैफेज एंड सो फोर्थ तो यार ये चैनल्स ऑफ सेल्स यारैनल लार्जली सबसे पहले कौन सा चैनल आपने स्टार्ट किया था यार डायरेक्ट टू कंज्यूमर थे सो वी आर अ डिजिटली नेटिव ब्रांड बट वी स्टार्टेड बिल्डिंग स्मॉल यू नो आई वुड से फाउंडेशनल वर्क हमने शुरू कर दिया था इन ऑफलाइन फ्रॉम द फर्स्ट वीक इट सेल लॉन्च के बाद ही हमने जब प्रोडक्ट बनाया था तो हम गए थे रिटेलर्स के पास डायरेक्टली फीडबैक लेने uh, कि रखने और हमने रखे हुए थे अपने आसपास वाले स्टोर्स पे तो बिकॉज यार आई थिंक बहुत बारी ना कंज्यूमर्स और जस्ट हमारे इकोसिस्टम में ना लोग कंफ्यूज कर गए कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज बिजनेस मॉडल या डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज नॉट बिजनेस मॉडल इट्स अ चैनल ऑफ सेल्स एंड इट्स सिंपली अ चैनल ऑफ सेल्स दैट हैज हायर लेवरेज वैल्यू फॉर द टीम्स एंड द फाउंडर्स एंड द ब्रांड बिकॉज यू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द कस्टमर करेक्ट इट इज नथिंग मोर देन दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली चैनल ऑफ सेल्स फॉर any business in the country that wants to scale up correct if you if you want to remain direct to consumer then you're also limiting the choice for your consumer to buy you wherever they want to right आप उनकी आप उनकी पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर रहे हो होता कि यार क्या मैं कपड़े बेच सकता हूँ हर जगह नहीं बेच सकता मैं क्या मैं हाँ मैं अपना EBO बना के अपना एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट बना के मैं बेच सकता हूँ। ब्रांड आउटलेट बना के बेच सकता हूं Uh, क्या मैं मल्टी ब्रांड फॉर्मेट में हो सकता हूं येस यू कैन डेफिनेटली बी देर एज एन अरल ब्रांड नॉट फॉर अ फॉर अ हार्ड कोर एफ एम सी जी बिजनेस यू कैन ओनली बी रेलिवेंट इफ यू आर अवेलेबल वेर योर कस्टमर इज एनहेंस फोर्थ डायरेक्ट टू कंज्यूमर गिव यू अ लॉन्च पैड गिवर एंट्री पॉइंट गिवस यू सम वेरी हाई लेवरेज वैल्यू इज वेल विच इज क्या यार आज कुछ लॉन्च करना है कस्टमर को एक मेल डाल दिया हजार कस्टमर ने रिस्पॉन्ड कर दिया मेरा सर्वे जो मेरे को छह महीने लगते है आज खत्म हो गया सर्वे एक दिन में होके करेक्ट मेरे को आज एनपीएस निकालना है मेरी कंपनी का आई मीन डू नॉट नीड टू स्पेंड मनी टू गो टू अ थर्ड पार्टी मुझे आज प्रोडक्ट लॉन्च करना है मेरे एक मिलियन कस्टमर्स हैं हम प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं वी हैव ऑलमोस्ट एट लाख कस्टमर्स ऑन व्हाट्सएप हमारा प्रोडक्ट लॉन्च वही है hmm. हमें जाके कोई वी डोंट नीड टू स्पेंड अ बॉम्ब ऑन डूइंग पी एंड टेल दो मिलियन कस्टमर्स क्योंकि यार स्नोबॉल होता है हमें पता है मोमेंटम क्या है नेटवर्क इफेक्ट क्या है एक दो को बताता है दो चार को बताता है चार ऐसे है सो डायरेक्ट टू कंज्यूमर की ऑडियंस अगर है आपकी तो वो बहुत बड़ा एक लेवरेज वैल्यू है बट दैट नॉट बी द होल सोल ऑफ योर बिजनेस एट एनी पॉइंट बिकॉज मोस्ट कैटेगरीज़ इन द कंट्री हैव वेरी लो सीलिंग ऑफ ग्रोथ और लो सीलिंग ऑफ कस्टमर बेस वेन इट कम्स टू ऑनलाइन सो हमारे लिए स्टार्टिंग वॉज डायरेक्ट टू कंज्यूमर and still direct to to consumer does does what the magic it does even today hmm. but as a brand you have to be multi एंड स्टिल डिरेक्ट कंजर ड मैजिक इट डूडे बट एज्रेव टू बी मल्टी चैनल था उसके बाद यूडेल शुरू किया इंस्टीट्यूशंस पे गए वो शुरू किया सो hmm. वी so uh, पे क्या होता है ना यार एक होता प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत कॉमन है वो आई थिंक पीटर थील की बुक थी जीरो टू वन जीरो उसमें बहुत कॉमनली एक्सप्लेन <coughs> किया था ये पीएमएफ क्या है प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है uh, वैसे इट्स अ ग्रेट बुक बट मेरे को लगता है प्रोडक्ट मार्केट फिट एक चीज़ है बट प्रोडक्ट मार्केट चैनल फिट बहुत बड़ी चीज़ है प्रोडक्ट का बहुत बड़ी एक चैनल में फिटमेंट हो जाता है कंज्यूमर्स के साथ बट वो अगले वही आप चीज किसी और चैनल में लेके जाओगे ना बिके ना बिके ना चले सर्विस के साथ भी सेम है आज आपने कोई सलोन खोल लिया मान लो साउथ दिल्ली में या फिर किसी हाई यू नो हाई डेंसिटी पॉकेट एरिया में खोल लिया जहाँ पे बहुत कंज्यूमर बेस है जहां पे बहुत फुटफॉल है सेम मॉडल सेम स्टोर सेम सलोन एक लो डेंसिटी एरिया में भी ना चले जबकि सलोन को तो यार दिन के वही चालीस कस्टमर चाहिए ना करेक्ट बट द मैजिक इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन विच विच इज नॉट वेरी क्लियर टू यू एट दैट टाइम सो यार ये लगता है मुझे कि चैनल फिट प्रोडक्ट के साथ बहुत जरूरी है एंड देन तो मार्केट फिट आल्सो कस्टमर बेस कभी कभी बदल जाते हैं एक्चुअली मोस्टली इंडिया में बदल जाते हैं hmm. uh, आप एक रीजन से जाओगे दूसरे रीजन में कस्टमर बेस बदल जाएगा बाइंग हैबिट्स बदल 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 जाएंगी पावर जाएगी जाएगी लैंग्वेज लार्ज बिजनेसेस कैन नॉट बी बाय कॉपी पेस्टिंग अक्रॉस सो hmm. आपको चैनल फिट बहुत जरूरी है in in especially hmm. especially in in hmm. क्योंकि मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया थोड़ा टाइम बाद भाषा बदल जाती है स्पेशली विद फूड करेक्ट स्पेशली विद फूड कपड़े भी फूड भी एनीथिंग टू डू विद एंड आल्सो विद लिटिल बिट ऑफ आई वुड से पर्सनल केयर बट लार्जली विद फूड एंड अपैरल दैट चेंजेस क्वाइट ड्रामेटिकली तो व्हेन यू स्टार्टेड फोकसिंग फर्स्ट ऑन द डी टू सी पूरे इंडिया में फोकस कर रहे थे या एक पर्टिकुलर रीजन में यार हमने पहले हमारी अप्रोच थी हार्ड कोर सो हमने ना कंज्यूमर सेगमेंट्स पे ज्यादा हमने फोकस किया था अर्लीव आइडेंटिज hmm. okay. मतलब वो या या hmm. coffee, drinkers, जो दिन में तीन से चार कप पीते हैं so, very, very

Correct. सबसे पहले एज अ फाउंडर राइट ये आपकी और आपकी टीम को पता होना चाहिए एज अ सबसे पहले बिकॉज यही तो गेम है बट hmm. कोई प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग ये कर सकते हैं डेटा एंड साइंस डेटा एंड आर्ट बोथ सो डेटा इज मिक्स विद इंस्टिंक्ट योर गट विल टेल यू दैट मुझे आई हैव टू गो आफ्टर प्रोफेसर कम्युनिटी प्रोफेसर पकड़ने मुझे सारे यूनिवर्सिटी के hmm. बट दैट यू हैव टू लुक थ्रू इन योर डेटा ऑल्सो पहले अभी एग्जिस्टिंग प्रोफेसर ने लिया कितने लिए उनको कॉलिंग होगी उनसे हाँ। एक वॉट्सएप होगा या बात होगी उनसे उनकी बाइंग परचेज पैटर्न समझे जाएंगे रिपीट कितना एंड कितने फैंस कितने बिकॉज यू कैनॉट एंटर कम्युनिटीज बाय विदाउट है उनका एनपीएस भी है एनपीएस uh, आप लेकिन मतलब फोन पे बात करोगे तो hmm. आपको एनपीएस कभी -कभी दिखेगा hmm. दिखे hmm. हाँ hmm. uh, तो एनपीएस hmm. उन्होंने एक कर दिया Correct. क्योंकि डिलीवरी खराब हुई थी ग्रैनुलर है ये बहुत ग्रैनुलर है दिस इज वेयर द मैजिक इज बट दिस इज वेयर हाउ लार्ज कंपनी

तो हमने वीड वी स्केल्ड बैक बिकॉज हमारे पास वी हैड लॉन्च प्रीमियम प्रोडक्ट की जो मार्केट कवरेज है वो बहुत कम है इंडिया में अभी मतलब hmm. मैं आई नॉट काउंट मोर देन एट थाउजेंड आउटलेट्स पैन इंडिया दैट कैन कैरी अ प्रीमियम प्रोडक्ट इफेक्टिवली थोक के नहीं मतलब इफेक्टिवली hmm. अपना माल बिक रहा रहे आठ से दस हजार है Crazy. एक ना बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे समझ में आई शायद रेज ने वो डिफरेंट की नॉर्मली क्या बोला जाता है ना कमोडिटी बिजनेस अगर हम करते हैं कॉफी वैसे तो देखा जाए तो कमोडिटी है कमोडिटी है, है।, है कमोडिटी बिजनेस में अगर आपको विन करना है एक डिफ्रेंसीशन आप क्या करो कि आप उसके अंदर फ्लेवर्स या कुछ निश बना दो विच रेज डेड विद एक्साइटिंग फ्लेवर्स एंड यूनिकनेस ब्लैंड दूसरा आप क्या करो फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट बाकी कंपैरिजन में उसको प्रीमियम कर दो तो एस्पिरेशन वैल्यू थोड़ी सी mm. बढ़ जाती है mm. ये दोनों फैक्टर जब कंबाइन हो जाते हैं ना प्रॉफिटेबिलिटी हायर मार्जिन देन यू रिड्यूज इट एंड देन यू बिकम अ लार्जर प्लेयर इन द मार्केट सेम मॉडल वॉज अडोप्टेड बाई टेस्ला टेस्ला hmm. तो गाड़ी तो बना रहा था <laughs> बट वेन टेस्ला स्टार्टेड उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में सुपर लग्जरी अल्ट्रा प्रीमियम को बेचा सिर्फ जब वो 100-200 इन्फ्लुएंसर्स ने 5000 इन्फ्लुएंसर्स ने गाड़ी खरीद ली उनके पास पैसा आ गया उससे उन्होंने फैक्ट्री बनाई फैक्ट्री बनाने के बाद दूसरा मॉडल निकाला विच वॉज नॉट दैट क्रेजी हाई वैल्यू थोड़ा सा लोअर वैल्यू स्टिल नॉट hmm. मास इज अफोर्डेबल वो निकालने के बाद थोड़ा और पैसा आया फिर वो कमोडिटी थोड़ा 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 गाड़ी की yeah, yeah. कैटेगरी में फिर सबसे नीचे आए अब आया उनका सुपर अफोर्डेबल मॉडल तो ये स्ट्रैटेजी ना बहुत ज्यादा काम करती है अगर आप कुछ कमोडिटी बिजनेस कर रहे हो तो यार पता नहीं यार, प्रैक्टिस इट आई से दैट मॉडल बिकॉज इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल व्हेन यू द टाइम इट वर्क नाइनी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम्स इट वोट वर्क योर प्रोडक्ट हैज टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी केस अ वेरी स्ट्रांग मोट अराउंड इट फ्रॉम द गेट गो प्राइसिंग ऑब्वियसली परसेप्शन बेस्ड होती है ब्रांड लव इज परसेप्शन बेस्ड एंड बहुत बड़ी पता नहीं क्यों नो आई डोंट नो आई लव अ ब्रांड आई यू फॉर एक्साम्पल इट सीम लाइक आपको टेस्ला बहुत पसंद है इट्स अ वेरी गुड स्टोरी बट फॉर एवरी अदर कॉमन एवरेज ऑनटरप्रनर हू स्टार्टिंग आउट आई एड राशियल इट सेल्फ विच इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस पोजिशनिंग प्ले right. 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 और परसेप्शन प्ले राइट राइट पोजिशनिंग और परसेप्शन की बात आपने एंड में बोली दी है राइट अभी रेज की एक स्पेसिफिक पोजिशनिंग है yeah. है ना वेन यू कॉम्युनिकेट दिस पोजिशनिंग टू द कंज्यूमर्स हाउ डू यू स्पेसिफिकली डिफाइन केयर कॉम्युनिकेशन में ये जाएगा यही मैसेजिंग टोन यूज करेंगे वो क्या प्रोसेस में ब्लेंड कर दिया है कि मार्केटिंग टीम को पहले से ब्रीफ है ऑब्वियसली होगा बट yeah. हाउ ड्यू इन्श्योर दैट ये पोजिशनिंग जो है यही रहेगी एंड देन विल टॉक अबाउट द पैकेजिंग एंड द काइंड ऑफ चैनल डू यू यूज टू मार्केट दोज पोजिशनिंग पोजिशनिंग ऑफ एनी ब्रांड और प्रोडक्ट और सर्विस इज अ फंक्शन ऑफ हाउ द ब्रांड इज परसिव बाई इट्स ऑडियंस फ्रॉम डे जीरो

पर जब वो बाहर जाएंगे स्कूल में hmm. जय बहुत कम्युनिटी से मिलेंगे उनके कुछ हैबिट्स वहां से पिकअप होंगी और फिर एक ब्यूटीफुल सा एक एंटिटी बनता है ब्यूटीफुल hmm. सा यू नो एडल्ट कम्स इन प्ले सिमिलरली ना इट इज वेरी मच लाइक दैट सो एक ब्लू you know, <coughs> like so, hmm. है जिसमें हमने ब्रांड के कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है एडवेंचरस रेवोल्यूशनरी एजी हिप्स फ्यूचरिस्टिक कुछ फीचर्स हैं की फीचर्स हैं हम्म ये कुछ फीचर्स हमें बहुत अच्छे से लगता है कि ये तो हमें पुश करने ही करने हैं बिकॉज दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो अबाउट दिस बेबी डॉट द वर्ल्ड विल कम एंड टेल यू आर नहीं हमें लगता है कि ये सब अच्छा है बट द इट शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो एंड इट शुड हैव दिस एक्स्ट्रा फीचर ऑफ लेट्स से फंक्शनैलिटी और फोर्टिफिकेशन क्यों क्योंकि एंड वो एक सब नहीं वो कुछ कंज्यूमर्स आपको आगे बोलेंगे सो so, यार पोजिशनिंग इज अ सम फैक्टर ऑफ योर एक्सपीरियंसेज योर कस्टमर्स एक्सपीरियंसेस एंड इट टेक्स टाइम

दे ऑल्सो हैव टू गेट अप एवरी डे एन री स्टार्ट री थिंक रेडबुल बीस साल से तो यही है अगले बीस साल क्या होगा वी आर थिंकिंग दीज आर द रिस्क एंड दीज आर द रिवॉर्ड्स एंड वी शुड प्ले इन बिटवीन समवेयर हेयर एक्स वाइजी करेक्ट इट्स वर्क इट्स वर्क इन प्रोग्रेस एवरी डे यूव टू गेट एन बट हाँ एक फंडामेंटल थीड बी वेरी क्लियर अबाउट योर ब्रांड मार्केटिंग वट अबाउट दैट विच

हमारा हमने एक क्रिएटर्स एज़ एन इन्फ्लुएंसर्स बट उस टाइम पे 2019 यू नो इट वाज नॉट एज़ बैड एज़ इट इज टुडे देयर वर जेन्युइन व्हाई डिड यू से इट्स नॉट बैड एज़ टुडे यार फ्रॉड बहुत है ना uh. आजकल फ्रॉड बहुत है आजकल चैलेंज है कि एवरीबॉडी सी क्या हुआ ना यार एवरी जर्नी एवरी मार्केट गोस थ्रू अ जर्नी ऑफ मैच्योरिटी 2014 15 ज वैन द इन्फ्लुएंसर बिजनेस टू और वहां पर क्या था उस टाइम पे इंफ्लुएंस वर नो बडी न्यूज एवरीबडी थाट दैट एक्चुअली पीपल आर यू नो गोइंग थ्रू दो रेकमेंडिंग दो प्रोडक्ट इट टुक थ्री फोर इयर्स फॉर द मार्केट टू अंडरस्टैंड ये तो प्ले है लॉर्ड ऑफ बराज ऑफ कॉन्टेंट टू कम देन पीपल अरे ये मतलब टुडे यू आर रिकमेंडिंग मी वन ब्यूटी ब्रांड टुमारो यू रिकमेंड है ना देन थर्ड यू रिकमेंड व्हिच वन आर यू यूजिंग एंड आज की डेट पे ये कि नोबडी ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स एनी मोर मतलब एन एवरेज कॉमन 16 ओल्ड इन द कंट्री सिटिंग इन लेट्स से सिटी इन रायपुर डज नॉट बिलीव इन इन्फ्लुएंसर बिकॉज दे आर सींगट फ्रॉड एंड दैट फेकनेस वेरी क्लियरली सो वॉट इज रियल वेन वी स्टार्टेड डूइंग इट इफेक्टिवली वी आर वेरी वेरी श्योर दैट हमें क्या करना है हमें तो वी हैव टू सेंड द प्रोडक्ट एंड एंड आई यूस टू सिटे वी आर लॉन्चिंग इवन बिफोर लॉन्चिंग आई यूश टू सेंड आई थिंक कुछ डीएम्स में लिमिट थी इंस्टाग्राम पर hmm. अभी भी होएगी बट हंड्रेड या फिफ्टी या हंड्रेड से ज्यादा हम भेजते नहीं थे आइडेंटिफाई फिफ्टी टू हंड्रेड पीपल एवरी डे हुड बी योर पोटेंशियल कस्टमर्स सेंड एन द प्रोडक्ट फॉर फ्री

इफ यू डू थिंग्स दैट डो नॉट स्केल हमारी पूरी डिस्कशन उस पर भेज the द इनसाइड्स दैट यू विल गेट आउट ऑफ डूंग दीज थिंग आपको मिलेंगे नहीं कभी करेक्ट एंड देन वो जब कस्टमर से आप बात करते हो वो आपको आपके सवाल का जवाब नहीं देते आपको दस चीजें और बताएंगे जो आपको कहाँ हेल्प कर जाए आपके बिजनेस में नहीं पता बिल्कुल सो so, हम तो यार और थैंकफुली थैंकफुली द प्रोडक्ट रियली क्लिक फ्रॉम द गेट गो इट सेल्फ

दूध के बिना पीनी थी दूध में पी पा रहे हैं दूध के साथ पिया तो यार इट सीम लाइक कि मेरा पैसा बच रहा है कैफे का नहीं जाना पड़ रहा hmm. रोज इट्स एडिक्टेड मेरा वर्कआउट्स आर बेटर माय फोकस इज बेटर बहुत सारी चीजें थी एंड जस्ट जनरली यार इंडियन है ना एक इंडियन ब्रांड को कंज्यूम करना उसकी जो एक फीलिंग है ना यार वो बहुत अलग है कंपेर्ड टू ड्रिंकिंग अ फॉरन ब्रांड एंड आप कंज्यूमर्स को जब वो पास ऑन करते हो ना वो फीलिंग कि यार एक्चुअली दिस इज अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम द ग्लास जार टू द कैप्स एंड दैट इनोवेशन इंडियन किसी इंडियन ने करी है किसी भारतीय ने ये इनोवेशन करी है और आप तक पहुंचाई है उनको समझ आती है वो समझ आती है पांच साल पहले नहीं समझ आता था बट अब समझ आता है सबको सो hmm. so, और उसकी बहुत हसल है यार वो बाहर से चीज मंगवा के यहाँ लाना और यहाँ बनाना hmm. अपने आप में मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा डल्टा है Right. मेरे लिए वो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम प्राइड एंड ऑनर टू बी एबल टू डू दिन फॉर द इंडियंस तो यार ये सब चीज़ें आई थिंक वेरी स्मार्ट बट तो वो सब देख लेते हैं वो बैड डिस्प्ले था बिकॉज बैड हो गया बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फेकिंग इट मोस्ट ऑफ देम आर फेकिंग इट हम तो प्रोडक्ट तो भेजते हैं आप इन्फ्लुएंसर्स पे फोकस नहीं करते हम अभी भी सेम स्ट्रेटजी है hmm. आपको भेज रहे हैं आप प्रोडक्ट आपको समझ आता है आप यूज करो

Here, Virat, ke saad, I think uh, it was first of all meeting of the minds also. Hmm. But for, to get to that meeting also, it takes a long. Right. It has taken us. Uh, so I had not known him or anybody in his circles to be re to be able to reach out to him. But I think 2020-21, uh, minute that one 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 and a half years, we saw a lot of sports people con starting to consume Rage coffee uh, as a pre-workout drink or as a fitness drink because. आई थिंक एवरीबडीज इन टू दे आर इंटॉलरेंट इन सम वे सब लोगों को कैफीन जरूरी है मतलब वर्कआउट से पहले लेना ही होता है वर्कआउट से पहले अदरवाइज ऑल्सो इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग अ बेवरेज दैट कीप्स यू फिट दैट इज नैचुरल कंप्लीटली नेचुरल ऐसा कुछ है नहीं पूरी दुनिया में मे बी टी कैन बी द ओनली अदर ऑल्टरनेटिव सो

कोई ऐसी जल्दी भी नहीं थी बिकॉज पूरी जिंदगी बढ़ी यार hmm. ब्रांड की तो ब्रांड आज नहीं दो साल बाद कर लेंगे पार्टनर जब बड़े हैं तो डील भी बेटर मिल जाएगी बट यार देन देन वी द मैनेजमेंट वॉज सुपर आई थिंक इंटरेस्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल आई हैव मेट हिज इंटायर टीम ओवरऑल वो काफी उनकी तरफ से भी था हमारी तरफ से भी इंटरेस्ट था इट टुक अबाउट तो अभी थो, थोड़ा जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ बट बैक टू बैक नहीं हुआ कुछ भी इट टेक इट टुक

Yeah, there's so much to learn <laughs> it is not that if you if you will meet him only <laughs> then you can learn <laughs> uh, yeah obviously but beyond that I feel uh, who, who am I to say anything about <laughs> his achievements and what he's yeah. done and yeah. uh, what he's if the world knows right. as a partner that I can tell you that uh, they are they have a very लॉन्ग टर्म मेवरिक माइंडसेट छोटी गेम खेलना जानते नहीं हैं छोटी गेम समझते नहीं है दे नीड दे नीड टू बी रियली दे अंडरस्टैंड वॉट विनिंग फील्ड लाइक एंड वॉट ऑन्टरप्रिनशिप फील्स लाइक वॉट स्टार्टिंग फ्रॉम नो वेर फील्ड लाइक एंड एक्सट्रीमली क्रेडिबल एक्स्ट्रीमली सपोर्टिव टीम एंड पीपल बियॉन्ड दैट यार आई थिंक रिच एम्बॉडीज विराट्स माइंडसेट अलॉट माइंडसेट इज ब्रांड ऑल्सो केम फ्रॉम नोवेयर हैिगर डिसप्लिन हार्डवर्क एवरीथिंग दैट ये आर अ कॉमन मैन यू वॉज अ कॉमन मैन राइट इक आई एम अ कॉमन मैन द ब्रांड हैज कम आउट ऑफ नोवेयर एंड शॉक द इंटायर कम्युनिटी आज हम शेल्फ पे पड़े होते हैं इन नेपाल इन भूटान इन श्रीलंका इन यूके इन यू एस इन इंडिया ऑब्वियसली एंड एवरीबडी यार दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज सच अफ टफ कैटेगरी सच अ डिफिकल्ट एंड इट इज नो डाउट बट डिफाइंग ऑल ऑफ दैट इज वेयर यू गेट दैट गॉड लाइक यू नो दैट गोट स्टेटस एंड गोट करेक्ट गोट मेंटेलिटी तो वो यार मतलब क्या बोलूँ बिजनेस इम्पैक्ट की अगर बात करूँ चलो विराट कोहली तो ऑब्वियसली डेफिनेटली पूछना ही सा होगा क्या राइट बट एजनी भी हो जाती होंगी मेरे को लगता है गलत ब्रांड के साथ सेलिब्रिटी yeah, yeah. के साथ एसोशिएट होने के वाले भी वर्स yeah. होते yeah. yeah, yeah, तो yeah. अच्छा होंगे yeah. yeah. अजीब सा हो जाएगा yeah. 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 Yeah? Yeah, I think uh, it depends a lot on the timing. Hmm. It depends. Many people could have asked us Kya, you're such a young brand. Hmm. Why have you gotten somebody like that? Hmm. It was a great opportunity. Now I know what I know. And hence it made a lot of sense. Now, what will happen in the future is something that I cannot predict. Right. In that moment, I have calculated all my bets and from the past learnings and future potential. बेस्ट डिसीजन इन दैट टाइम एंड आई थिंक एवरीबडी डज दैट एवरी बडी एवरी ब्रांड ओनर ब्रांड मैनेजर और फाउंडर वेक द राइट डिसीजन इन दैट राइट एट दैट राइट टाइम दो महीने बाद या दो साल बाद बंदा चलता है या एक्टिंग सही करता है या रन मारते हैं नहीं वो मुझे कैसे पता एंड नो बडी इज चेकिंग कॉल्स बेसिस इन समी इज पोटेंशियल इफ एंग प्लेयर कम्स इन तो मुझे लगता है फोड़े गए hmm. तो आई विल टेक अ बेटर यू सो यार इट कैन गो रॉन्ग ऑब्वियसली लाइक एनी अदर थिंग इन बिजनेस एंड लाइफ इट कैन गो रॉन्ग इट कैन गो राइट इट्स वॉट द नेचर ऑफ द बीस्ट इज आपको सब पता ही होगा तो सर को ही फिर बना रहे होते हैं बड़े yeah. बड़े धंधे नहीं बनते बस ना? अब एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा विच इज अभी कौन कौन से स्टार्टिंग में आपने बताया इन्फ्लुएंसर्स थे ये सब चीजें थी व्हाट ऑल चैनल्स आर यू मार्केटिंग थ्रू करंटली वेरी क्विकली इफ यू कैन आंसर यार वी करंटली यूटिलाइज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग अच्छा कुछ भी हम छोड़ते नहीं है बट हम इवन टीवी एड्स टी वी वी हैव डन इन द पास बट नॉट राइट नोट टी वी टीवी के लिए वी रियलाइज वी नीड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन बट मोस्ट ऑफ द